वेलकम बैक टू द ब्लॉग। और आज है वेडनेसडे और जी हम जा रहे हैं फिजियोथेरेपी, क्योंकि मैं अभी फ़िलहाल रह रहा हूँ मेरे दी के घर पे। तो यार तो ना भाई बहुत, मतलब समझ लो कि राजयोग चल रहा है अपना, है ना। तो अभी थोड़े दिन के लिए ये राजयोग है जिसका हम आनंद उठा रहे हैं। बट अभी चलते हैं नीचे, नाश्ता वास्ता करेंगे, उसके बाद जाएंगे। BRTS में जाना पड़ता है यहाँ से, क्योंकि यहाँ से बहुत दूर है। सो BRTS में, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है भाई। और सबसे अच्छी बात यह है कि BRTS सारी AC बस है, तो भाई ना बहुत सुकून हो जाता है। पर मज़ा आता है यार BRTS में, वहाँ तक जाने का थोड़ा सा, मतलब सिटीज़ बहुत अच्छा दिखता है BRTS के अंदर से, है ना। तो ये खाजा है, मेरे को घी वाला खाजा बिल्कुल पसंद नहीं, बट इसका एक स्पाइसी खाजा बेस्ट है भाई। सो गाइस, आज है सातम। हमारे यहाँ पे श्रावण महीना की जो कृष्ण पक्ष होता है उसकी जो सातम होती है वो हम शीतला सातम करके मनाते हैं। उस दिन हम लोग कुछ भी खाना नहीं बनाते, मतलब हम लोग गैस ऑन ही नहीं करते, ठंडा खाते हैं हम। एक दिन पहले जो है उसके सब खाना बना लेते हैं, जो जो हमको खाना है, और हम वो प्रिजर्व करके रखते हैं। फिर दूसरे दिन, मतलब आज हम लोग कुछ भी गर्म खाना नहीं बनाते हम, शायद हम लोग मतलब चाय भी नहीं बनाते, चूल्हा ऑन ही नहीं गर्म होता इस दिन। जस्ट चेक द वेदर भाई, 35 डिग्री है यहाँ पे, 35 डिग्री। अगस्त ख़त्म होने आया है, मतलब अगस्त ख़त्म क्या, तो सितंबर चल रहा है, मेरा दिमाग भी काम नहीं कर रहा है। सितंबर चल रहा है और 35 डिग्री है भाई अभी, और ऐसी गर्मी में अभी घर जाना। आज तो इज्जत भी बंद है भाई, क्योंकि आज सातम है ना, आज कुछ भी गर्म बनाते नहीं है। और यहाँ पे बहुत ही बढ़िया गर्मा गर्म नाश्ता मिलता है, तो आज तो इन्होंने भी बंद रखा है भाई। सो गाइस, एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात बतानी है मुझे, कि मैंने अभी अभी एक न्यूज़ सुनी थी कि एक 14 साल के बच्चे को ना रेबीज़ हो गया था। रेबीज़ का मतलब ये होता है कि जब आपको कुत्ता काटता है और उसके बाद जो आपको डिजीज़ होता है उसको रेबीज़ बोलते हैं। ये एक्चुअली कुत्ते को ही होता है रेबीज़ पहले, पर वो जिसको भी काटता है उसको भी हो जाता है। तो हिंदी में उसको शायद जलांतक बोलते हैं और हम लोग उसको हड़कवा बोलते हैं। और उसने, वो बच्चे की गलती उतनी थी कि जब उसको कुत्ते ने काटा तो उसने 1.5 महीने तक घर पर नहीं बताया, किसी को भी नहीं बताया कि मुझे कुत्ते ने काटा है। और रेबीज़ एक ऐसी बीमारी है भाई, अगर एक बार वो हो गई ना, उसका कोई भी इलाज नहीं है, उसका एक ही इलाज है सिर्फ मौत। और ये हालत इतनी ख़राब हो जाती है कि लोग देख नहीं पाते हैं ना, मतलब जैसे कुत्ता कैसे करता है ना, काटने दौड़ता है, वैसे ही बच्चे भी वैसे ही करते हैं उसमें। सो जितने भी कोई बच्चा देख रहा है यहाँ पे, या पता नहीं कोई बड़ा देख रहा है, उसके आसपास बच्चे हैं जो भी है, उनको आप ये बताइए कि बच्चे कभी कभी डरते हैं ना, चोट लग जाए तो घर पे बताने से डरते हैं, ऐसा कुछ हो जाए तो आप उनको बताइए कि भाई तुमको कुछ भी प्रॉब्लम है तो सबसे पहले जाके माँ बाप को बताओ, तुरंत ही बताओ। डरो तो मत ही, क्यों डरना है यार, मम्मी पापा को तो बताना है कि ऐसा हुआ है। और जब कुत्ता काटता है ना भाई, तो विथिन 1 और 2 आवर उसकी जो इंजेक्शन उसके जो आते हैं वो ले ही लो। अभी तो पहले तो 14 थे, अभी तो बहुत कम हो गए ना, अभी तो 2 या 3 है शायद, ऐसा कुछ है, 7 तो थे पहले, अभी शायद कम है। तो वो लेना बहुत ज़रूरी है भाई, अगर उसमें टाइम निकल गया ना एक बार, भगवान भी नहीं बचा पाएगा आपको, ऐसा है। उसकी कोई दवाई ही नहीं है भाई, एक बार शायद आदमी कैंसर से बच जाए, निकल जाए, बट एक बार रैबिस हो गया ना, चला गया वो, फैल गया, मतलब ख़त्म। तो प्लीज़ बच्चे जितने भी हैं उनको रिक्वेस्ट है कि आप डरिए मत, कुछ भी प्रॉब्लम है तो माँ बाप से शेयर कीजिए। और ऐसा ही कुछ होता है, आपको चोट वोट लगती है तो तुरंत बताइए भाई, वो हेल्थ का सवाल है ना, इसमें कुछ भी लॉन्ग टाइम का डैमेज हो सकता है। सो प्लीज़ ध्यान रखिए।